तो आज हमने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करा इंडिया के सबसे महंगे होटल दी ताज महल पैलेस में, जो कि मुंबई में है। ये वही होटल है जिस पर 2008 में अटैक हुआ था। उसके बाद से काफ़ी फेमस ये होटल हो गया था। मैंने और नीतू ने अपनी सबसे पहली डेट भी इधर ही सेलिब्रेट की थी, तो सोचा उसको रिलीव करते हैं। हम लोग पहुँच गए थे ताजमहल होटल। जाते ही नीतू ने खाए मार्शमैलोज और देखो कैसे चॉकलेट में डिप किए इसको। ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है और बच्चों को तो ये चीज़ बहुत ही लुभाती है। नीतू का एक से मन नहीं भरा, 3-4 बार उसने मार्शमैलोज डिप कर करके खाए। और सच बताऊँ, अगर मेरे को एसिडिटी नहीं होती तो आज मैं भी यही खा रहा होता। बहुत अमेजिंग चीज़ है। आप लोग कभी ऐसा एक्सपीरियंस करो या आपके आसपास कुछ ऐसा हो तो इसको ज़रूर टेस्ट करना। इसका टेस्ट एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई झरना बह रहा हो, फाउंटेन टाइप का। उसके बाद नीतू और दीदी दोनों ने चूज़ करा कि ठीक है, खाने से पहले थोड़ी सी पानीपुरी हो जाए। भाई मुंबई की पानीपुरी बहुत फेमस है, वही पानीपुरी जिसको हम दिल्ली में गोलगप्पों के नाम से जानते हैं। नाम चेंज, भेष वही। कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। उसके बाद अब खाने की बारी थी हमारी। मेन कोर्स चेक करना था कि यहाँ का मेन कोर्स है कैसा। खाने से पहले नीतू के दिमाग में सनक है कि इसको क्लीनिनेस बिल्कुल चाहिए। उसने अपने हैंड वाइप किए जो कि थे सैनिटाइजर के साथ, और फिर अपना खाना खाने बैठ गए। नीतू ने खाना कुछ आज अतरंगी मंगाया हुआ था, क्योंकि नूडल्स के साथ ये पास्ता वाली डिश थी और उसके साथ ये ब्रेड का बन। ये कुछ देखते ही अजीब सा कॉम्बो लग रहा था, लेकिन खाने में काफ़ी टेस्टी था। नीतू ने वियर्ड सा कॉम्बो मेरे को भी टेस्ट कराया। अभी बारी आइसक्रीम की थी। आज नीतू ने सोचा हुआ था सारे रूल्स तोड़ देने हैं। बीच में आइसक्रीम खानी है, फिर पास्ता खाना है, फिर पिज्ज़ा खाना है, उसके बाद खाना खाना है। फिलहाल इनका पिज्ज़ा बहुत अच्छा था। मतलब इटली में जैसा हम पिज़्ज़ा खाते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही था टेस्ट इसका बहुत हद तक। तो इंडिया में अगर इटली का मज़ा लेना है तो इस होटल का पिज़्ज़ा ज़रूर टेस्ट करना। ये होटल है बिल्कुल गेटवे ऑफ इंडिया के पास। मुंबई कर खास तौर से इसको जानते होंगे। वैसे इस होटल को पूरी दुनिया जानती है क्योंकि ये वन ऑफ द हेरिटेज होटल है। जिन लोगों को हेरिटेज होटल के बारे में नहीं पता, हेरिटेज होटल वो पुरानी जगहें होती हैं जिनको एज अ हेरिटेज भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत पुराने और बहुत फेमस रेस्टोरेंट और होटल्स होते हैं उस जगह के, जैसे कि इंडिया का ये है। खैर, ताजमहल पर जब से अटैक हुए थे उसके बाद सिक्योरिटी इतनी टाइट हो गई यहाँ पर कि इन्होंने हमें आराम से वीडियो भी बनाने नहीं दिया। मतलब कोई इंसान अपनी भी वीडियो नहीं बना सकता यहाँ पर आराम से। फिर हमारी बारी थी अपना बर्थडे केक कट करने की। मैं यहाँ पर नींद में झूल रहा था, नीतू ने बर्थडे केक मेरा कट किया और उसके बाद इन सब ने आपस में बांट के खा लिया, बिकॉज मैं तो आधा सो चुका था इस वक्त तक। इसकी कुछ बहुत प्यारी में एक वीडियो बनाना चाहता था जो कि होटल ने मना कर दिया। मेरा थोड़ा मूड ऑफ भी हो गया था, बट इट्स ओके, क्योंकि ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से है। इतना बड़ा यहाँ पर इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद तो सिक्योरिटी टाइट करना बनता ही है। नीतू यहाँ पर केक पूरा खाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हम सबको पता था वो सिर्फ वीडियो के लिए कर रही है और फोटो के लिए कर रही है, बिकॉज नीतू और केक खा ही नहीं सकती। ये लड़कियों को एक अलग कीड़ा होता है कि भाई इनको वेट गेन नहीं करना कहीं भी। आप बिल देख सकते हो, हम 6 लोगों ने खाना खाया 25,000 का। 25,000, वाव। लेकिन खाना 25,000 के हिसाब से हमें बहुत ओवर एक्सपेंसिव लगा। अब बारी थी इस होटल को बाय करने की। अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमें ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय।